सो एक ही स्वागत है आप सभी का एक और नए इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सबुक सीरीज एस में जो है आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके कैसे स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हो। जिनके भी पास एक्सबुक सीरीज एस है उनको जो है स्टोरेज का इश्यू 100% आता ही होगा। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखना, एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सारी डिटेल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना स्टोरेज एक्सपांड को लेके वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में जो है आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पर एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है परचेस किया था फ्लिपकार्ट से, 1.5 TB का है, उसको जो है मैंने अभी एक्सबुक सीरीज एस में कनेक्ट कर दिया है और अभी हम चलते हैं मेरी टीवी स्क्रीन के ऊपर और बाकी का प्रोसेस जो है टीवी स्क्रीन के ऊपर ही मैं आपको बताता हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर और जैसे ही मैं स्टोरेज डिवाइस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है हमें दो स्टोरेज ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। एक है एलिमेंट्स लिखा हुआ और एक है इंटरनल स्टोरेज। तो जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है वो 1.5 TB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जो कि अभी अभी हमने जो है कनेक्ट किया है। तो इसमें जो है मैंने कुछ 4 से 5 गेम्स अभी ट्रांसफर करके रखे हुए हैं, उनमें से ही जो है किसी एक गेम को हम मूव करेंगे इंटरनल स्टोरेज में और इसकी स्पीड कितनी आती है उसको जो है चेक करेंगे अभी। तो एक बार जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी गेम्स जो है अभी मैंने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में लगा के रखी है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी है, GTA भी है, हाउस फ्लिपर है और मोर्टल कॉम्बैट भी है जो कि एक एक्सबॉक्स सीरीज की ऑप्टिमाइज्ड गेम है, ठीक है। इसको भी बाद में जो है हम ओपन करके देखेंगे और वो भी देखेंगे कि इसको जो है डायरेक्टली खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते, ठीक है। बाकी अभी जो है हम एक गेम को ले लेते हैं और उसको जो है हम मूव करेंगे अपने इंटरनल स्टोरेज में और स्पीड के बारे में देखेंगे। तो सबसे कम GB वाला गेम है हाउस फ्लिपर को जो है अभी हम सिलेक्ट करेंगे और उसको जो है हम मूव करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर मूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर अबाउट टू मूव वन थिंग फ्रॉम एलिमेंट्स टू इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पर हम डन कर देते हैं और ट्रांसफर हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है और ये अराउंड 8 GB का गेम है। उसका स्पीड जो है मैं अभी आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले जो है कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक्सबुक सीरीज एस में दो ऑप्शन मिल जाते हैं स्टोरेज को एक्सपांड करने के लिए, एक होता है SSD का और दूसरा होता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का। तो SSD की अगर बात करें तो वो सोलिड स्टेट ड्राइव जो है काफी महंगी आती है, 13-14 हज़ार रुपए की आपको मिल जाती है ऑफिशियली। लेकिन अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो भाई उतने में जो है सेकंड हैंड एक गेमिंग कंसोल भी आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहता है एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का, तो इसीलिए जो है मैंने जो है पर्सनली जो है एक 1.5 TB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद कर रखा है और ये WD कंपनी की तरफ से आता है और इसमें जो है 2 ईयर की वारंटी भी है और स्पीड भी जो है मुझे काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये जो गेम है अभी मैं जो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसकी साइज़ है 8.2 GB की और इसको ट्रांसफ़र होने में जो है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम लगा था। और अगर मैं बात करूँ कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी बड़ी गेम्स की जो कि अराउंड 90 GB का गेम था उसको जो है मैंने जब ट्रांसफ़र किया था तो पूरा गेम जो है मेरा सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 मिनट में ट्रांसफ़र हो गया था। तो इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की मदद से आप अपना इंटरनेट को और अपने टाइम को जो है सही से यूटिलाइज कर सकते हो। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मेरा गेम जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। तो भाई अभी आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर जो है जिसके बारे में ना सबको डाउट रहता है, वो है कि हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से कौन कौन सी गेम्स जो है डायरेक्टली खेल सकते हैं, ऑप्टिमाइज गेम हो या फिर ओल्ड जनरेशन की गेम हो। सारी डिटेल्स जो है मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा और वो एकदम 100% श्योर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉल ऑफ ड्यूटी को ओपन कर लेता हूँ जो कि एक ओल्ड जनरेशन गेम है, यानी कि अभी भी ऑप्टिमाइज गेम वो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी जो है मेरे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में है और उसको जो है मैं बड़े ही आराम से ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर और मुझे जो है कोई भी दिक्कत इस गेम को खेलने में आई नहीं है। इसको मैं हमेशा की तरह जो है अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से ही खेलता हूँ और अभी अभी लेटेस्ट जो अपडेट आया वो भी मैंने जो है उसी में ही अपडेट किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लेटेस्ट वर्जन जो है कॉल ऑफ ड्यूटी का जो है यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैं अभी आपको जो है स्टार्ट स्क्रीन पे ले जाता हूँ और सारा सब कुछ इसमें दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पर जो है गेम हमारा स्टार्ट हो रहा है तो एक्सबॉक्स का लॉगिन भी जो है यहाँ पर हो रहा है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो और यहाँ पर जो है हमारा गेम जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मुझे जो है कोई भी दिक्कत आती नहीं है कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने में और ओल्ड जनरेशन की जितनी भी गेम्स है ना आप बड़े ही आराम से जो है इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से खेल सकते हो।
और अभी जो है ना हम एक गेम को ओपन करेंगे और वो है एक ऑप्टिमाइज गेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो मोर्टल कॉम्बैट 11 जो है एक ऑप्टिमाइज गेम है और मैंने जो है इसको अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखा है और जैसा कि आप देख रहे हो ना वहाँ पर जो है दो छोटे छोटे एरोज टाइप दिख रहे हैं, ठीक है। और बाकी गेम्स में आप देखोगे ना तो वो एरो नहीं दिख रहे, उसका मतलब है कि जिनमें भी वो एरो दिखते हैं ना जो ऑप्टिमाइज गेम होता है उसको जो है आपको मूव करना होगा फिर से इंटरनल स्टोरेज में, तभी जाके जो है आप गेम को खेल सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैंने जैसे ही प्ले के ऊपर क्लिक किया, ओपन किया, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है सॉरी दिस गेम कैन नॉट बी प्लेड फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज। आपको जो है ये गेम को मूव करना पड़ेगा फिर से इंटरनल स्टोरेज में, तभी आप जो है गेम खेल सकते हो। और अभी मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ ना तो जितनी भी ऑप्टिमाइज गेम है आप जो है उनमें से कुछ गेम्स ही खेल सकते हो, लेकिन वो भी जो है कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगी ना वैसे वैसे जो है वो भी गेम्स आप जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से नहीं खेल सकोगे, ठीक है। आप जो है इस गेम खेल नहीं सकते हो, लेकिन आप जो है अपने टाइम का और इंटरनेट का सही से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि आपने जो है कोई भी ऑप्टिमाइज गेम को डाउनलोड किया, ठीक है, 50 GB का गेम है और अभी मान लीजिए कि 10-15 दिन के बाद आपको खेलना नहीं है, तो उसको जो है आपको सिंपली मूव कर देना है अपने एक्सटर्नल स्टोरेज में और जब भी आप वापस से जो है गेम खेलना चाहोगे तभी जो है आपको फिर से ट्रांसफर कर लेना है इंटरनल स्टोरेज में। उससे होगा क्या कि जो आपका जो टाइम होगा ना वो काफ़ी कम लगेगा। जैसे कि 50 GB का गेम अगर आपको डाउनलोड करने में 20 मिनट लगा, ठीक है, अच्छा खासा इंटरनेट होगा तो, और अगर आप उसी चीज़ को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से इंटरनल में मूव करोगे ना तो आपका जो है 5 से 6 मिनट में काम हो जाएगा, ठीक है। उससे आपका जो है इंटरनेट का भी सेविंग होगा और आपका टाइम का भी सेविंग होगा। तो गाइज यही था इस वीडियो में, और वीडियो जो है आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।